संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आज वाजपेयी जी की ऑयल पेंटिंग का राष्ट्रपति करेंगे अनावरण। उपराष्ट्रपति पीएम मोदी और विपक्ष के नेता रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज हरियाणा के दौरे पर, कुरुक्षेत्र में स्वच्छ शक्ति 2019 में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रदर्शनी भी देखेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मिर्जापुर की महिला ग्राम प्रधान पुष्पा देवी को ग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मानित। पुष्पा देवी ने सबसे ज्यादा 886 शौचालयों को पेंट करवाया था। जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा, बीकानेर जमीन घोटाला केस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा विशेष विमान से कल जयपुर पहुंची, वाड्रा भी जयपुर में मौजूद। शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज भी होगी पूछताछ, कल भी शिलांग में सीबीआई ने 8 घंटे तक की पूछताछ। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल पर आंध्र की जनता को खुली चिट्ठी लिखी, शाह ने नायडू को घोर अवसरवादी और गुमराह करने वाला नेता बताया। इस चिट्ठी में अमित शाह ने आंध्र प्रदेश को दी गई केंद्र की हर मदद का जिक्र किया, शाह ने कहा भूख हड़ताल राजनीतिक साख बचाने की कोशिश। केंद्र सरकार के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू के एक दिन की भूख हड़ताल में विपक्ष के नेता शामिल हुए, 13 फरवरी से जंतर मंतर पर ममता बैनर्जी धरना देगी। बीजेपी का आज से देश भर में मेरा परिवार बीजेपी परिवार अभियान, अहमदाबाद में अमित शाह अपने घर में बीजेपी का झंडा लगाकर करेंगे शुरुआत। बीजेपी को देश भर में 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना, पार्टी का झंडा और स्टीकर लगाए जाएंगे। सिटीजनशिप बिल सब बजट सत्र में राज्यसभा में हो सकता है पेश, पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई। सिटीजनशिप बिल 8 जनवरी को लोकसभा में हुआ था पास, उत्तर पूर्व के राज्यों में हो रहा है विरोध। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की नियुक्ति में आरक्षण के लिए अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर फैसला आने तक नहीं होंगी भर्तियां। पीडीपी के राज्यसभा सांसद और मोहम्मद फैयाज की पीएम को चिट्ठी, आतंकी मकबूल भट्ट और अफजल गुरु की अस्थियां उनके परिवार को सौंपने की मांग। कल आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल होंगी ममता बैनर्जी, आज कोलकाता से दिल्ली के लिए रवानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर विवाद को 24 घंटे में सुलझाने की वकालत की, योगी ने कहा अदालत को जनभावना का सम्मान करना चाहिए। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने पहले ही 17 फरवरी को प्रयागराज से अयोध्या कूच का ऐलान किया, शंकराचार्य का दावा अयोध्या में 21 फरवरी को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 15 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे, 8 घंटे में दिल्ली से बनारस का सफर तय करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को देना होगा ज्यादा किराया, एसी चेयर कार का किराया 1850 और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 3520 रुपए होगा। सीबीआई अधिकारी रहे नागेश्वर राव की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी, नागेश्वर राव ने अवमानना मामले में माफी मांगी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चल रही 5 योजनाओं के नाम बदले गए। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भीमराव अंबेडकर के नाम पर योजनाएं, प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी किया।